हेलो पिला माने, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य बहर कहानी और गल्प विभाग मनरे आसुम भल भावना विषय क्वेश्चन आंसर करवा। एक नंबर क्वेश्चन अच्छी, एक नंबर कौरे अच्छी, सुख चाहिबा को हेले आमको प्रथमे कौन करिबा को हेबो। उत्तर रे आम लिखा सुख चाहिबा को हेले आमको सर्वप्रथमे मनटी को शांत रखा कर आंसर यह लिखिदे क नंबर। पर अच्छी आमे कौन कले आमको समस्ते भल पाइबे। उत्तर लिखा आमे अन्य मानको भल पाइले आमको समस्ते भल पाइबे। कर आंसर लिखिदे नेक्स्ट अच्छी ग गरे कौन अच्छी घर अच्छी राजा प्रतिदिन क्यों कामटी करिबा को भल पाउथिले। उत्तर लिखिबा राजा प्रतिदिन राजधानी रे हाथी उपरे बसी भ्रमण करिबा को भल पाउथिले। घ नंबर घर अच्छी राजा निजर दुश्चिंता संपर्क रे कहा सहित आलोचना कले। उत्तर लिखिबा राजा निजर दुश्चिंता संपर्क मंत्री सहित आलोचना कले। घ नंबर सरला कुरे कौन अच्छी कुरे अच्छी मंत्री दोकानी बंधु कहीं दुख सुख हेबापी चाहिले। उत्तर लिखा दोकानीपति राजा मनरे कहीं भावांतर सृष्टि हेला से विषय अनुसंधान करी जानिबापाई मंत्री दोकानी बंधुक सह दुख सुख हेबापाई चाहिए। चरे अच्छी दोकानी जनक किपरी निज समस्या मुक्त हेबे बोली कहिले। उत्तर लिखिबा राजांकर मृत्यु द्वारा दोकानी जनक निज समस्या मुक्त हेबे बोली कहिले। राजांकर जेतेबेले मरिबे दोकानी जनक निज समस्या रे मुक्ति हेबे बोली कहले। एटा आमे लिखि दबा। तस होला 6 नंबर क्वेश्चन अछि मंत्री ठारु राजांक इच्छा संपर्क रे जानिला परे दोकानी जनक कौन चिंता कले। उत्तर लिखिबा मंत्री ठारु राजांक इच्छा संपर्क रे जानिला परे दोकानी जनक खुशी हेले एवं राजा बड़ दयालु बोली चिंता कले। दयाबान राजा संपर्क खराब चिंता करू से निजकु धिक्कार कले ओ अनुताप कले। एक नंबर क्वेश्चन आंसर सरीगला। नेक्स्ट आम दुई नंबर को जो दुई नंबर अच्छी दुई बा तीनोटी वाक्य उत्तर लेख है पर अच्छी राजा स्वभाव किपरी थिला। उत्तर लिखा राजा थिले जड़े शांत स्वभाव लोक से शोषण पीड़न अत्याचार और कौनसी कुकर्म करने को भल पा नंबर क्वेश्चन अच्छी प्रथमे दुकानी जन को देखी राजांकर कौन करने को इच्छा हला। उत्तर लिखा प्रथमे दुकानी जन को देखी राजा भीषण भाव चिड़ी उठिले। तांकर इच्छा हला सिपाही पठाई दुकानी को गिरफ्त करी आणते एवं फासी खुंटे झुलाई दिखते। ग नंबर अच्छे घरे कौन अच्छी घरे अच्छी दोकानी जनक मंत्री को निज व्यवसाय संपर्क कौन कहले। उत्तर लिखा दोकानी जनक मंत्री को कहले जे तांक व्यवसाय बहुत मंदा चली चंदन चाहिदा नथिबारु एही किणिबाकु चाहुनाहंती सेथिपाई मनरे बहुत चिंता। गड नंबर लिखिदेवे आंसर लिखिदेवे घ घर अच्छी मंत्री निज आसीबार कारण कौन बोली दुकानी को कहले। उत्तर लिखा राजांकर किसी सामग्री गढ़ाइबापी चंदन काठ दरकार एथिपाई राजा पठाई थिबारु पठाई कथा को मंत्री निज भाषा
निज आसिबार कारण बोली दोकानी को कहले है। घ नंबर आंसर लिखिदे घ नंबर कौन अच्छी दोकानी जनक मने मने काहीकि लज्जित हेले। उत्तर लिखा राजा काठ किणवा संपर्क सूचना पाई दोकानी बहुत खुशी हेले। राजा अकाल मरण विषय रे मन भितर चिंता करिथिबारु से लज्जित हेले। से भाविले राजा अकाल मृत्यु हो जाए तो काठ नवापाई आसंति मंत्री सहीटा जो भावि जो चिंता करते से लगे सत जानला लज्जित हेले। यहाँ को आंसर लिखिदे ये है छ नंबर छे अच्छे राजा द्वितीय थर दोकान को दोकानी को देखा पर मनरे कि भाव जाग्रत है। उत्तर लिखा राजा द्वितीय थर दोकानी को देखा पर मनरे प्रति स्नेह भाव आसला। निज मनरे पूर्व भावना को नहीं से अनुताप करुले और भगवान निकट में क्षमा मागुले। राजा यूठ जना पड़ी राजा केमिका व्यक्ति है। दु नंबर यह सरला तीन नंबर क्वेश्चन तीन नंबर अच्छी प्राय 150 शब्द लिखा कर कौन अच्छी राजा एवं दोकानी परस्पर को देखा पर मन भितर कौन भाविले। उत्तर लिखा उत्तर लिखा यहपर लिखा उत्तर छोट हो जाए भलसे देख देख लिख है पढ़ी दौर से लिख जल्दी जल्दी पढ़ी दौर क्या भिडटी बहुत लंग हो राजा थिले शांत स्वभाव लोक शोषण पीड़न और प्रजा प्रति अत्याचार करने भुकर्म सहित आद संपर्क नाला किंतु एकदा संध्या समय हाथी पर बस नगर भ्रमण करुवा बेले हाथीटी दोकान आगे पहुँचला। दोकानी उपरे राजांकर दृष्टि पड़गला दोकानी उपरे से भीषण चिड़ी उठिले। दोकानी प्रति मनरे उठिला क्रोध आउ घृणा तांकर इच्छा हला से सिपाही पठाई दोकानी को गिरफ्त करी आनंते आउ फासी खुंटरे झुलाई दिंते। दोकानी मध्य राजांकर देखी भावुथिला जदि राजांकर हठात काल हो जाता तेबे तार व्यवसाय मंदा अवस्था रहता ना। राजा मृत्यु घटिले शबदाह चंदन काठ आवश्यक हुआ से ही मौका रे ता दोकानर सबुतक चंदन काठ बिक्री हो जाता तार सबु चिंता दूर हुआ। मंत्री राजांकर चंदन काठ किणवा खबर दोकानी को कहिबा परे दोकानटी खुशी होता। राजांकर अकाल मरण विषय मन भितर चिंता करिथिबारु लज्जित होइतिला निजकु धिक्कार करिबा सहित राजा शह शह वर्ष बंचंतु बोली मनरे कामना कला भगवान को प्रार्थना कला। ठीक सेही भली राजा दोकानी प्रति मध्य मन भितर उत्तम भावना आनीथिले दोकानी टिकु देखि ता प्रति स्नेह भाव पोषण करिथिले निजर खराब भावना पाई अनुताप करिथिले भगवान को क्षमा मागुले। प्राथमिक पर्याय यही चिंता परस्पर प्रति मंद भावना परिचय देखा परवर्ती पर्याय से मन भितर सृष्टि होता भावना महत और सुखदायक यहीपरी भाव में 150 शब्द तीन नंबर को देखा। नेक्स्ट चार नंबर अच्छी चार नंबर कही कौन सरल भाषा बुझाए लेख पर अच्छी सुखरे रहा मन भितर सब भल चिंता रखा अन्य मानक हित कामना करिबा मन भितर भल भावना रखिले आमपाई ए दुनिया हो उठ सुंदर और आकर्षण आपको आम सरल भाषा बुझाए लिख लिखा प्रथम सुखरे रहा डट डट आकर्षणीय लिखिद आम लिखा संक्षित पद्यांशटी मनरे आसुम भल भावना शीर्षक गल्पर वर्णित यही प्रसंगे गाल्पिक डॉक्टर चक्रधर विश्वाल मनरे भल भावना पोषणर सुफल विषय वर्णना करिछंती।
ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ। ଭଲ ପାଇ ଶିଖିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ମନର ଖରାପ ଭାବନା ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତ ଓ ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ରଖିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତ କାମନା କରିବା। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବନା ରଖିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଉଠେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝେଇ ଲେଖିଦେବା। କ ନମ୍ବର ହେଲା ଖ ନମ୍ବର। ଖରେ ଅଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ସୁବିଧାର ସୁଆଦ ଚାଖି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା, ଦେଖିବା କେମିତି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଅସୁବିଧା ଡଟ୍ ଡଟ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ଚକ୍ରଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରଚିତ ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଭଲ ଭାବନା ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆନୀତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧାର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦୋକାନୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୋକାନୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଦୋକାନୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧାର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଠାପକା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ସୁବିଧାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ କ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଥିବାରୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ସେଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ମାରିକି ଦେଖିଦେବେ ହେଲା, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରି ଲେଖିଦେବେ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଆଶ୍ୱାସନା ଆଉ ଉତ୍ସୁକତା ସାଜସଜା, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ କରିବା କ'ଣ, ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇ ରଖ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ। ତୃତୀୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦୋକାନୀ ବନ୍ଧୁକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବା ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମୋର ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ାଇବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସାଜସଜା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଛଅ ନମ୍ବର, ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଭାବାନ୍ତର ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଭାବ ବା ଭାବନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ଭାବାନ୍ତରକୁ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ଭାବ ବା ଭାବନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେହିପରି ମତାନ୍ତର, ଦେଶାନ୍ତର, ମନାନ୍ତର, ଗ୍ରାମାନ୍ତର, ତାକୁ ଲେଖି ଗୋଟେ ଲେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ମତାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ମତ ବା ମତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାକୁ ମତାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଦେଶାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବା ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାକୁ ଦେଶାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ମନାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ମନ ବା ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାହା ହେଉଛି ମନାନ୍ତର। ଗ୍ରାମାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ବା ଗ୍ରାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗ୍ରାମାନ୍ତର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଛଅ ନମ୍ବର ଆମ ସରିଗଲା। ସାତ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ସାତ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଯେପରି ନାକ ଟେକିବାର ଅର୍ଥ ଘୃଣା କରିବା, ସେହିପରି ତଳେ ଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ନାକ ଟେକିବାର ଅର୍ଥ ଘୃଣା କରିବା, ସେହିପରି କାନ ପାରିବା, ଆଖି ପକାଇବା, ଭାଗ ବସାଇବା, କପାଳ ପାଟିବା, ତାର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖ। କାନ ପାରିବା ତାର ହବ କ'ଣ, ଲୁଚି ଲୁଚି କଥା ଶୁଣେ। ଆଖି ପକାଇବା କ'ଣ, ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଭାଗ ବସାଇବା ତାର ହବ ବାଣ୍ଟ ନେବା। କପାଳ ଫାଟିବା ଦୁର୍ଯୋଗ ପଡ଼ିବା ହେଲା। ଏପରି ଲେଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆଠ ନମ୍ବର।
आठ नंबर अच्छे जेपरी खराब काम पाई कुकर्म शब्द व्यवहूत हुए सेपरी कौन है खराब चिंता पाई खराब कथा पाई खराब कथ तो लिखिद खराब चिंता पाई कुचिंता खराब कथा पाई कुकथा खराब पथ पाई कुपथ यहपर भाव में आठ नंबर सर्कल जा नंबर को नौ नंबर अच्छी भाव शब्द पूर्वर सो बसिले स्वभाव हुए सेहीपरी आउ पांचटी शब्द पूर्वर सो व्यवहार कर लिख भाव शब्द पूर्वर सो बसिले स्वभाव सेहीपर आम पांचटी शब्द सो व्यवहार कर लिख प्रथम लिखीद स्वयुक्त वाक्य सौवाक्य द्वितीय लिखा स्वयुक्त चिंता सुचिंता तृतीय लिखा स्वयुक्त देश स्वदेश लिखा स्वयुक्त राज्य स्वराज्य लास्ट लिखा स्वयुक्त धन स्वधन यहपर भाव में लिख लास्ट क्वेश्चन दस नंबर कौन अच्छी रेखांकित शब्द गुड़िकर पुरुष और वचन लेख कर अच्छी आमे अन्य मानंकु भल पाइबा उचित आमे अन्य मानंकर तार पुरुष आ वचन लिख ख नंबर क्वेश्चन अच्छी राजा निज प्रजा मानक मंगल पाई कार्य करी आनंद अनुभव करती कर अच्छी कौन से मानंक मनरे विरक्ति और घृणा भाव सृष्टि करिब जहाँ हेले भी तुमको किछि दिन धैर्य धरिबा को पड़िब मन अच्छी मु तत्क्षणात मुक्ति पाए चाहती आर लिखा पुरुष वचन चल तो प्रथम लिखीद प्रथम कौन अच्छी आमे आमे रे कौन लिखा प्रथम पुरुष दि वचन हम आमे हम प्रथम पुरुष आउ दि वचन जेहेतु आमे अच्छे अन्य मानंकु अन्य मानंकुर हम द्वितीय पुरुष बहुवचन अन्य मानंकु माने बहुत अच्छा से बहुवचन नंबर अच्छी राजा राजार हम तृतीय पुरुष एक वचन है प्रजा मान प्रजा मान हम तृतीय पुरुष बहुवचन पर अच्छी से मान हम तृतीय पुरुष बहुवचन सेम हम घर अच्छी तुमकु तुमकु हम द्वितीय पुरुष एक वचन मोर अच्छी मुँह हम प्रथम पुरुष एक वचन जी नुआ अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब करदे आउ कमेंट माध्यम जनइबे वीडियो टी केमती लगला वीडियो टी संपूर्ण देखिथिबारु धन्यवाद।